तथर्थ समिति अभिभाषक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने सर्किट हाउस पर एसडीएम से मुलाकात की। इस दौरान बताया गया कि रजिस्ट्री के बाद जमीन या प्लाट खरीदने वाले लोग तहसील कार्यालय में नामांतरण के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उनके नामांतरण नहीं हो पा रहे। तहसील कार्यालय में लगभग 3000 प्रकरण नामांतरण के अटके हुए हैं या फिर बिना वजह बताए ही निरस्त किए जा रहे हैं, जिस वजह से एसडीएम कार्यालय में अपील करना पड़ रही है। जबकि राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने नामांतरण के प्रकरणों को निराकरण के लिए निर्देश दिए हैं। इसे लेकर शनिवार को तथर्थ समिति अभिभाषक संघ संयोजक विजय वर्मा के नेतृत्व में अभिभाषकों के प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम आशुतोष गोस्वामी से मुलाकात की। प्रकरणों के राजस्व प्रकरणों के गतिरोध को लेकर के आज हमने राजस्व अधिकारियों से जो एक मुलाकात की है, इसमें हमने आवेदन पत्र के माध्यम से अभी अपनी बात रखी है। परंतु सबसे बड़ी बात जो सामने आई है कि हमारे जो राजस्व अधिकारी हैं वो अपनी अलग तरह की एक समस्या बता रहे हैं पेंडेंसी को लेकर के। अब उनका जो कहना है कि ये पेंडेंसी जो हुई है 3000 की संख्या में जो पहुंच गई है, उसका विशेष कारण यह है कि हमारे पास में वर्किंग हैंड नहीं है। यदि कोई वर्किंग हैंड की समस्या लेकर के और निचले स्टाफ के तालमेल के अभाव को लेकर के कोई समस्या बता रहा है तो पक्षकार उसके लिए जवाबदार नहीं है। यह एक स्थिति स्पष्ट हो गई है कि प्रशासन की और प्रशासकीय अधिकारियों की कोई लापरवाही है या इनकी तालमेल की कमी है या कोई ऐसा कारण है जो उन्होंने प्रकट किया है, तो अब इसको निराकरण करने का जो अधिकार होता है वो जिले के कलेक्टर महोदय का है। क्यों करके वो इसकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं? नागदा छोटा क्षेत्र नहीं है, नागदा के आसपास के हलके भी बहुत ज्यादा संख्या में हैं। नागदा के पेंडेंसी का एक कारण ये भी है, यदि स्टाफ की कोई कमी है और समय समय पर उसके लिए उनको अवगत कराया जा रहा है तो अतिरिक्त व्यवस्था इस प्रशासनिक अधिकारी की या राजस्व अधिकारी तहसीलदार की होना चाहिए। यह पेंडेंसी का कारण मुख्य रूप से उभर के आया है। मेरा विशेष रूप से कलेक्टर साहब से निवेदन है कि मीटिंग जब आयोजित होती है तो पेंडेंसी पर विचार होता है, परंतु इस ओर भी विचार करें और इनके स्टाफ की जो कमी है उसको शीघ्र निराकृत करें। थैंक यू। नागदा में नामांतरण की प्रक्रिया को लेकर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था लोगों को। लगभग 3000 नामांतरण यहाँ तहसील कार्यालय में विचाराधीन पड़े हुए हैं और उज्जैन जिले में सबसे ज्यादा नामांतरण नागदा तहसील के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं। कुछ दिनों से हमारे सामने ये समस्या आम लोगों के द्वारा रखी जा रही थी कि हमारा नामांतरण पेंडिंग है, हो नहीं पा रहे हैं। इस संदर्भ में हमने कल एसडीएम साहब से चर्चा की थी कि साहब ये नामांतरण की प्रक्रिया को सरल और जल्दी से पूर्ण करवाया जाए। आज इस संदर्भ में एसडीएम साहब ने हमारी बैठकें बुलवाई थी हमारे सभी सम्मानित साथियों को सहित, उस वो जिसमें आज तहसीलदार साहब और नायब तहसीलदार को भी एसडीएम साहब ने उपस्थित रहने के लिए निर्देश भी किए थे। अब चूंकि ये नामांतरण की प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा था, इस संदर्भ में हमने एक राज्य शासन के प्रमुख सचिव राजस्व विभाग का एक सर्कुलर अभी एसडीएम साहब को दिया है। हम चाह रहे हैं कि उसके पालन में जो नामांतरण की प्रक्रिया लिंगर ऑन की जा रही है, यहाँ बताया जा रहा है कि कर्मचारी नहीं है हमारे पास, ये नहीं है, तो ये सब संबंधित जो अधिकारी है उनकी जिम्मेदारी है। पर ये नामांतरण प्रक्रिया जो साल साल डेढ़ डेढ़ साल से पड़े हुए हैं पेंडिंग, उनको तत्काल करना होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि इसके अंदर अगले एक हफ्ते के अंदर पब्लिकली रिजल्ट आना चाहिए, नामांतरण प्रक्रिया जल्दी सुलभ होकर सब लोगों की हो जाए। और अगर नहीं आता है तो फिर हम हमारे हिसाब से अगला जो भी कदम उठाएंगे वो सब हम संबंधित अधिकारी जो जिला कलेक्टर है उनको अवगत करवा के फिर जो भी रहेगा वो हम हमारे हिसाब से उसको पूर्ण करेंगे।